राइस साहब आओ 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 आओ
शाह साहब की तरफ से, पूर्व सचिव आदर शाह साहब की तरफ से हमेशा मैं सबका शुक्रिया आसान कराए ने देख के शुक्र तलावत एक राम विपाल से करना चाहूंगा। तलावत के लिए मैं सबसे पहले मलक मुबशर नजीर साहब से दरखास्त। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العلي العظيم। جزاك الله خير। جس دل میں محمد کی محبت نہیں ہوتی اس دل پہ کبھی اللہ کی رحمت نہیں ہوتی۔ ہمارا تو عقیدہ ہے اگر ذکر خدا میں شامل نہ ہو یہ نام عبادت نہیں ہوتی۔ نعت رسول مقبول کے لیے ملک صدام صاحب سے درخواست گزار ہوں کہ وہ آئیں اور نعت رسول مقبول پیش فرمائیں۔ اس کے نعت سے پہلے زوردار نعرے کا جواب دینا ہے۔ نعرہ تکبیر، ایسے نہیں ایسے نہیں، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، زندہ باد۔ میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے، تیرا آستا سلامت گھڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، گھڑی دھوپ کے سفر میں نہیں کچھ نصیر کو غم، تیرے سایہ کرم میں یہ غلام چل رہا ہے، تیرا آستا سلامت میرا کام چل رہا ہے، میری زندگی کا تجھ سے اور نہیں عرش و فرش پر ہی تیری عظمتوں کے چرچے، نہیں
हर सफर से पर ही तेरी अजीमतों के चर्चे तहका के भी लहद में तेरा नाम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे ये निजाम चल रहा है तेरा आसता सलामत मेरा काम चल रहा है मेरी जिंदगी का तुझसे माशाल्लाह जी बड़ी प्यारी नात पायरा सुनाइए सवा संगीत दोस्तों तुसाना ए प्यार मोहब्बत इस गल नी दलील है त्रै घंटे तू इंतजार पे करने हो इंशाल्लाह ताला अल्लाह पाक ने फजल करम नाल शानी शाह शाह दिता तू जित गया ने और शानी शाह साहब ना एक पैगाम है सारे आस्ते के दुख दर्दा दी थोड़ भी कोई नहीं ते अग पानी का जोड़ भी कोई नहीं ते चंगा हो ना अंजब खान जा ते एक ही काफी ने बहुत इशार बनाने की लोड़ भी कोई नहीं ताड़िया बहुत कुछ उसी नल मारने हो सारा मुकर्रर ना जोश ही त्रुट बिंदा मेरे नल चल सा ते ताड़िया जोरदार ताड़िया बजाए मेरी शानी शाह आवाज से बजाओ इस तरह चलो मैं प्रोग्राम ने सिलसिले आगे बढ़ाने वास्ते सब तो पहले नुमान साहब और असर भाई मैं उन्हें दरखास्त करता कि और अपने ख्याल ने इजहार करन जी तालियां नुमान साहब वास्ते हाँ तालियां इसी तरह बजा दो तुसा मजा असी गल छोड़ने औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर रहीम सारे दोस्तों भाइयों साथियों को मेरी तरफ से अस्सलामु अलैकुम मैंने आज से कुछ दिन पहले जब अंजुम अकील खान की कॉर्नर मीटिंग वहां पर रखवाई तो ये उम्मीद कर रहा था कि शायद बहुत कम यहां पर लोग होंगे जैसा कि सोशल मीडिया पे हम लोग देखते हैं कि सारी तरफ यूथ नजर आती है और यूथ में वो पीटीआई के कारकुनान और बहुत ज्यादा लोग उनको सपोर्ट करते हैं लेकिन जब मैंने वहां पर कॉर्नर मीटिंग करवाई तो वो बाकायदा एक जलसे में बदल गई और वो जलसा उसके अंदर आप यकीन करें कि सबसे ज्यादा यूथ की नुमाइंदगी थी और यूथ वहां पर काबिले तारीफ था उनका जज्बा जैसे उन्होंने अंजुम अकील खान साहब को वहां पर उसके बाद रेजिडेंट्स की मीटिंग हुई एक बहुत बड़ा वो भी जलसे की शक्ल इख्तियार कर गया और वो भी बहुत बड़ा एक काफिला था जो हमारे साथ अभी भी चलकर यहां पर आया मैं इसका सारा क्रेडिट अपने छोटे भाई मलिक मुबशिर को दूंगा कि उन्होंने जिस तरीके से इसको D12 के अंदर एक वाइब्रेंट कम्युनिटी बनाया और उसको इसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाया फिर समझ साहब उसको लेकर चले और कर्नल नवीद साहब ने उस काफले को मजीद आगे बढ़ाया तो अल्हम्दुलिल्लाह D12 से मैं ये दावे के साथ अंजुम साहब को ये यकीन दिला सकता हूँ कि इंशाल्लाह इंशाल्लाह पूरी D12 की कम्युनिटी आपके साथ खड़ी है और इंशाल्लाह 8 फरवरी को आप देखेंगे कि D12 से पूरी कम्युनिटी आपको वाइब्रेंट तरीके से वहां पर मौजूद मिलेगी और इंशाल्लाह वोट आपके हक में डालेगी मैं शानी शाह साहब का मशकूर हूँ कि माशाल्लाह उन्होंने बेहतरीन तरीके का ऑर्गेनाइज किया आज जो जलसा और इतनी बड़ी कसीर तादाद यहाँ पर इस बात की गमाजी कर रही है कि ये लोग शानी शाह का साहब को प्यार करते हैं और सारा वोट इंशाल्लाह इस दफा मुस्लिम लीग NA46 के कैंडिडेट अंजुम अकील खान का होगा आप सब भाइयों का बहुत मशकूर हूँ बहुत शुक्रिया जिंदाबाद जी इन्होंने तकरीर ना खुलासा यही है कि पत्थर जैन गुलाम नहीं होंगे पत्थर जैन गुलाम नहीं होंगे कोरे फरक किताब नहीं होंगे ते जे कर लेने यारी सजना तो फिर यारा नाल हिसाब नहीं होंगे मैं प्रोग्राम में अगले मुकर्रर उम्मीदवार आजाद कश्मीर असेंबली राजा मदर कयूम साहब आ दरखास्त कर सके अपने ख्याल में इजहार फरमाऊं जी राजा मदर कयूम साहब की तालियां शेर आएगा मैदान में जब शेर आएगा बंद शेर बंद शेर बंद शेर बंद शेर बंद शेर बंद शेर
बिस्मिल्लाह रहमान रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या रसूलुल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या हबीबुल्लाह। इस तकरीब के दूल्हा जनाब अनिया मकील साहब और रिशान हैदर साहब मुस्लिम लीग नून के कारकुनों नौजवानों भाइयों और मेरी ख्वातीन बहनों अस्सलाम वालेकुम। मैं आज आपको एडवांस मुबारकबाद पेश करता हूं कि आज आपका जो जज्बा जो जमे गफीर जिसने मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब की क़यादत पर एतमाद का इज़हार किया आज इस बात का अमली सबूत है कि अंजम वकील साहब ने NH 46 से आप कामयाब कर चुके हैं अल्लाह के फजल से और इंशाअल्लाह 8 फरवरी को रस्मी कार्रवाई होना बाकी है। बाकी आप लोगों की जो मेहनत है आप लोगों का जो किरदार है और इससे ये जाहिर होता है कि इंशाअल्लाह जिस जगह 2018 में मियां नवाज शरीफ साहब ने ये मुल्क छोड़ा था उसी जगह से दोबारा जो है वो ट्रैक पे लाने की वो कोशिश करेंगे। मैं आपसे ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। मैं जनाब सदर मुस्लिम लीग नून आजाद कश्मीर शाह गुलाम कादर साहब और राजा मोहम्मद फारूक हैदर खान साहब की हदायत की तरफ से आपने G8 में G9 में और G10 में जितने भी कश्मीर कम्युनिटी के लोग हैं इंशाअल्लाह वो मुस्लिम लीग नून का साथ देंगे और अंजम अकील साहब को कामयाब करवाएंगे अल्लाह के फजल से। तो मैं आपका ज्यादा वक्त नहीं लूंगा। एक बात आप नौजवानों से जरूर कहूंगा कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब ने 1 करोड़ नौकरियों का वादा किया है 1 करोड़ घरों का वादा किया है इंशाअल्लाह वो जबानी कलामी वादे नहीं होंगे वो अमली तौर पर वादे होंगे और अमली तौर पर इस चीज का वो पूरा करेंगे। नौजवानों जिस तरह इन्होंने इस मुल्क के साथ खिलवाड़ किया है और इस मुल्क को तबाह बर्बाद किया है गरीब का जीना तो भर कर दिया है गरीब के मुंह से नवाला छीन लिया है इंशाअल्लाह 8 फरवरी का दिन जो है वो गरीब की तरक्की का दिन होगा इस मुल्क की तरक्की का दिन होगा। मुझे उम्मीद है कि 8 फरवरी को शेर के निशान पे मोर लगाकर आप एक दफा फिर कौमी और मिली बेदारी का सबूत देंगे। कल 5 फरवरी का दिन है जो पूरी आजाद कश्मीर और पाकिस्तान के लोग जो है वो कश्मीर से ज्यादा यकजहती कर रहे हैं। हमें भी उम्मीद है कि आज जिस तरह सबका की तरह आज आप 5 फरवरी को उन कश्मीरियों के साथ उस पार के कश्मीरियों के साथ आप इजारे यकजहती करेंगे और इंशाअल्लाह हमें उम्मीद है कि वो कश्मीर आजाद होकर पाकिस्तान का जो है वो हिस्सा बनेगा। इसी पर मैं आपसे इजाजत चाहता हूँ। वाह खुदा वाद अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। राजा साहब बड़ी मेहरबानी बहुत शुक्रिया। राजा साहब ना खुला पैगाम है अंजम अकील खान ने सियासी मुखालफा में कि छिक के रखो तन के रखो बॉडी बिस्तरा बन के रखो कोई गुंजाइश नहीं तुसानी। चलिए जान साहब हमें खुश आमदे रखना जी। मैं अगले मुकर्रर अपने भाई अजहर खान साहब का दरखास्त कर सा कि और अपने ख्यालात में इजहार फरमाऊं। तालियां जरा तालियां दोस्तों। शैतान रजीम बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। कायदे मोहतरम जनाब अंजम अकील खान साहेब जनाब शानी शाह साहेब स्टेज पर बैठे हुए मेरे तमाम लीडरान जलसा की इंतजामिया और मौजूद सामईन कराम अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। मैं अपनी तकरीर की इब्तदा अपने भाई अंजम अकील खान की नजर अलामा इकबाल के एक शेर से करूंगा कि वही जवां है कबीले की आंख का तारा वही जवां है कबीले की आंख का तारा शबाब जिसका हो बेदाग जर्ब हो कारी।
हजरात, आप सब जानते हैं कि इलेक्शन का दौर दौरा है। मैं दो हवालों से ये बात करूंगा। एक मेरा भाई है जो इलेक्शन लड़ रहा है, शानिशाह मेरा स्टूडेंट है, मेरा शागिर्द है। दो चीजें बुनियादी अहमियत रखती हैं जो सोचना चाहिए और जो हमें सोचने पर मजबूर करती है। एक ये कि वो जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, जिसके हक में आप अपना कीमती वोट कास्ट करेंगे, उसका किरदार क्या है, उसकी शख्सियत क्या है, उसने जो वादे वहीद किए हैं वो क्या है, सोसाइटी के अंदर उसका रहन सहन, उठना बैठना कैसा है। तो मैं अपने भाई अंजम अकील की इस जलसे को गवाह बना के गवाही देता हूं कि बकौले शायर, किरदार की अजमत को रुसवा न किया हमने, धोखे तो बहुत खाए, धोखा न दिया हमने। अंजम अकील खान की शख्सियत गोरला के गिर्दो नवा और शालादित्ता के देहात तक सब लोग अच्छी तरह जानते हैं। बुनियादी बात यह है, हमने ये देखना है कि हम जिस शख्सियत को मुंतखिब कर रहे हैं, उस शख्सियत, वो शख्सियत कैसी है, वो क्या है, उसका माजी क्या है। तो मैं समझता हूं कि अंजम अकील खान की सारी जिंदगी आपके सामने है। 2008 से ये शख्स इलेक्शन लड़ रहा है और इसकी खूबी ये है कि ये पैराशूटर नहीं है, ये सन ऑफ द सॉइल, इस धरती का बेटा है और इस धरती के वासियों पर ये फर्ज बनता है कि पग हमेशा अपने सर पर ही अच्छी लगती है। दूसरी बात पार्टीज के हवाले से मैं करूंगा। बहुत धोखे दिए गए, बहुत बुलंदोबाद दावे किए गए। हम बचपन में शेख चिल्ली की कहानियां सुना करते थे कि शेख चिल्ली का ख्वाब क्या है। तो माजी में जो गवर्नमेंट रही है, चाहे वो मकानों के वादे थे, चाहे तब्दीली के वादे थे, चाहे नया पाकिस्तान ढूंढते ढूंढते हम पुराना पाकिस्तान भी खो चुके, वो सारे शेख चिल्ली के वादे थे। अमली इकदाम कोई नहीं थे। अमली इकदाम को आप देखते हैं तो मोटरवे का जाल देख लें, पूरे मुल्क में बिछा हुआ, तरक्याती काम देख लें, बिजली की जो लोड शेडिंग होती थी 24-24 घंटे, उसको खत्म किया मियां नवाज शरीफ ने। और सिर्फ शेख चिल्ली के ख्वाब नहीं दिखाए बल्कि अमल करके दिखाया, क्योंकि अमल से जिंदगी बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी, ये खाकी अपनी फितरत में, ना नूरी है ना नारी है। पंजाब जो एक बहुत बड़ा सूबा था, उस बहुत बड़े पंजाब के सूबे के अंदर एक ऐसे शख्स को वजीर आला बनाया गया, जब उससे एक सहाफी ने पूछा कि तुम क्या करते हो, उसने कहा आजकल मैं पंजाब में शहबाज शरीफ लगाया, अभी मैं सीख रहा हूं। तो मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, वक्त मुख्तसर है, ये सोचने की घड़ी है। आप में से हर एक पर फर्ज है कि आप 8 तारीख को खुद भी निकले, अपने दोस्तों को भी निकले और उस पार्टी को, अंजम अकील खान को भारी अक्सरियत में कामयाब करें, अगर इस मुल्क को आप तरक्की याफ्ता देखना चाहते हैं। इसलिए कि आज हम सबको अपने मुल्क की हालत पर भी गौर करना चाहिए। आज एक गरीब आदमी के लिए जिस्म और रूह का रिश्ता कायम करना मुश्किल हो चुका है इस महंगाई की वजह से। मैं लंबी बात नहीं करूंगा, अहमद नदीम कासमी के 2 अशार पे बात खत्म करता हूं कि खुदा करे कि मेरी अर्ज पाक पर उतरे वो फसल गुल जिससे अंदेशा जवाल ना हो, यहाँ जो सब्जा उगे वो हमेशा सब्ज रहे और ऐसा सब्ज के जिसकी कोई मिसाल ना हो। वमा अलैना इल्लल बला। और जिंदाबाद खान जी, खानरा जड़ा खिताब किया उसना मैं खुलासा शेर पेश करना चाहना कि कागज उत्ते अग ना रखियो, पागल दे सिर पग ना रखियो, इस बारी मन लो अंजम खान नु सारे शहर तरह का ठग ना रखियो। सजना मैदान सियासत ना ते विच आए ने बड़े बड़े स्थान लोगो, साढ़े लीडर जी आसान कोई नहीं, परिया ने पिंडी इस्लामाबाद ते अटक खाना वाल, पर आजम खान जी भी खाना कोई नहीं। मैं सलाम पेश करना आजम खान साहब, उन्हें आखिया जी मेरा टाइम मलक नूर खान साहब आ दो, मलक नूर अवान साहब सदर जापान मुस्लिम लीग नून, अपने ख्याल में इजहार फरमाओ जी, तालियां जी मलक नूर नूर साहब वास्ते जी। मुस्लिम लीग नून जापान के सदर मलक नूर अवान, तालियां तालियां करो जोरदार, उनसे तालियों का मजा नहीं आ रहा, खड़े हो गए संभाल की। रहमान रहीम,
मेरे बड़े भाई NH 46 के उम्मीदवार जनाब अंजुम वकील खान साहब, आज ये जलसा देख के मेरा दिल कहता है, बल्कि अब सबका ये कहता है, वाह शानी शाह वाह, कमाल कर देते ही माशाल्लाह। मेरे भाई आजम खान साहब, सबका मेयर इस्लामाबाद, मलक दस्तगीर अवान साहब, जनाब जितने भी स्टेज पे और ताजरान D12 मौजूद हैं, सालत भाई आए हैं, हमारी बहन और हमारी खवातीन बहने यहां पे, कैपिटल की सदर जनाब फरा अकबर नाज साहबा, मैं इनको भी अपनी बहनों को वेलकम करता हूं कि यहां पे आज तशरीफ लाए हैं। वली खान साहब हैं, जनाब यासर मलिक साहब हैं और तमाम मलिक शौकत साहब, मैं सबका अगर नाम लूंगा तो टाइम बहुत गुजर जाएगा, अगर ना ले सकते तो सबसे बड़ी माजरत। शाहजी एहले सदात और एहले शिद्दते आलिया आज कमाल कर दिता वे, मेरा जकी शाह भाई कह रहे सी मलिक साहब ए जलसा सिर्फ जलसा नहीं है, ए तुसा 8 फरवरी असी रिजल्ट भी देख के दसा इंशाल्लाह ताला। शानी शाह अब निकलेंगे असी यूसी जो जीते सा, उस तो बाद साडा भाई सिर्फ यूसी छल दिता, शहरी सराल पिंड संगरियाल की खिदमत नहीं की थी। और मलिक रफाकत चूरा तू और सदाकत मलिक सदाकत साहब साढ़े नाल आ रहे सन, कह रहे सन कि शानी शाह ने पूरे इस्लामाबाद का डिप्टी मेयर बन के मलिक साहब हर घर की खिदमत की थी। और खिदमत सारी असा 8 फरवरी हाँ, शानी शाह सिर्फ शिद्दते चु वोट नहीं मांग रहा, शहरी सरार चु नहीं मांग रहा, यह सिर्फ पिंड संगरियाल चु नहीं मांग रहा, मलिक फयाज अपनी रैली ना लाया, मलिक मेहरबान अपनी रैली ना लाया, मलिक हमीद आया, यह सारे ने किया, असी हर घर जाके जिस तरह आजम खान हर घर जाके, मलिक नजाकत मेरा भरा मलिक अबरार हर घर जाके मांग रहे, इंशाला शानी शाह भी हर घर इस तरह वोट मांग रहा है। ए मतासरीनो मैं तुसा एक गल दस सा, अंजुम खान सियासत करने की लोड नहीं सी, इसको अल्लाह ने दिता सब कुछ है सी, इसने इस वास्ते सियासत की थी कि कमिटेड इंसान है अंजुम वकील खान जिसका नाम है, पार्टी तो मुश्किल वक्त है, मुशरफ डिक्टेटर ना वक्त है, चाहे इमरान नियाजी का वक्त है, ए बंदा पिछे नहीं हटिया, भावे जितया भावे हरिया, इसने पार्टी नू कायम कायम रखिया हमेशा। खान साहब ए रूलर एरिया ने लोग ए तुसा नाल मोहब्बत इस वास्ते करने, क्योंकि तुसी माता श्रीना वास्ते जिथे भी CDA आले गल करो तुसी उन्हां ने सामने खलो जाने हो। और मैं तुसा अज गल दसदा, मैं सुनना रहना गल्ला, ए जदू अंजुम खान बनेगा और CDA ना चेयरमैन, ए तुसा ने कार आन के तुसा ने मसले हल ना करे, तुसी मेनू फाड़ लेना, ए चेयरमैन CDA ना मसला जड़ा है वे साडा, चाहे C30 ने D30 ने या पूरे रूरल एरिया दे, ए चेयरमैन ए अंजुम खान साहब सिर्फ MNA नहीं बनेगा, ए इंशाल्लाह इस पार्टी इन्हां नूं मिनिस्टर बनाएगी और मिनिस्टर बन के और असी सारे इन्हां नाल मिल के और अपने मुतासिरीना नाल मसला हल करांगे। CDA दा चेयरमैन टावर ते बैवे, शिद्दते बैवे, शहरी सराला बैवे, मलिक महीदे घर बैवे, इंशाल्लाह ये घर तुसां ने बह के मसले हल ना होए,
तो तुसी मेनू फड़ लेना। अंजुम वकील खान एमएनए बनना ही इस वास्ते पे है कि तुसा ने मसले हल होण। अगर मसले हल ना होए तो सियासत करने नहीं लोड़ कोई नहीं। मैं तुहानू अज वादा करना अंजुम वकील खान सब तो पहले तुहाडे कोल पहुंचेगा जदू ये मैंने इंशाल्लाह बन जाएंगे। थाना 8 फरवरी की रिक्वेस्ट करना। अजकल शेर ना मुकाबला ते अंजुम वकील ना मुकाबला वैंगण कर सी। ओ यार कोई कोई खुदा दा खौफ करो। ओ वैंगण ना मुकाबला वैंगण जी तेरे घर पकया हो ना। मैं मलक अबरा रहना मैं उधर घर भी ना वैना कि जनानी मड़ी वैंगण क्यों मड़ी भैन ने पकाया हो तो वैंगण ना कौन वोट दे सी। ओ शेर ना मुकाबला वैंगण ना करने हो। ओ तुसा जदू 50 रुपए किलो चीनी सी 150 आण के कीती है बिजली ने बिल वधाए ने तुसा मुल्क च अफरा तफरी पीती है तुसा रियासत ते हमला कीता है तुसी आज आज केड़े मुंह नाल वोट पे मंगने हो। तुसा केड़ा रोड बनाया है। ए वेखो शानीशाह ने ए वेखो अंजुम वकील ने तख्तियां लगिया हुई जनाब हर जगह तुसी जाने हो। वो इन्होंने हे काम 50 लाख नौकरियां देना सी 1 करोड़ घर बना के देना सी। इन्होंने क्या किया सब तू पहले वजीर आजम हाउस आज थे इन्होंने मजियां आसानियां बेच सटियां और इन्हें कोई काम नहीं मिलिया। मलक फयाज इन्होंने सिर्फ मजिया ना काम सी। इन्होंने कहा फिर कट्टे रखो फिर इन्होंने जाके जिड़ा तोहफा बंदा किसी देना है ना शाह जी किसी ने कोई तोहफा नहीं बेचना। इसने जाके और कड़ी जिसत खाना काबा की तस्वीर सी जाके दुबई बेची। सो यार इतना रहा लीडर मैं जिंदगी च नहीं वेख्या। मैं तुसा 8 फरवरी आज खला करो बल्कि मेरे नाल खड़े होके तुसी अपनियां लतां वी सिद्धियां करो। काफी देर ने बैठे हो खड़े होके नारा मारो और वादा करो सारे खड़े हो भाई इंज नहीं चलना है जलसा। सारे खड़े हो और मेरे वादा करो मलक नूर खान साहब गाल सुनो संगीओ असद शाह साहब तशरीफ लाए ने मैं खुश आमद आखना जी संगीओ दोस्तों गाले में तको भाई असना वसना घर है ना ते दरवाजे खुलन ते पुत्र अंदर बने अगे बैठी अभी मां ते मां के आनी है और मैं बिस्मिल्ला कराओ मेरा शेर आया के आनी है मां बड़ा शेर आया और कदे किसे मऊ ये भी आख्या बड़ा वैंगण आया निगरान हुकूमत ते बड़े बड़े एतराज कर लेन। मैं एक कमे ते बड़ा खुश होया कि निगरान हुकूमत पहले नंबर लगने गड़िया वा निगरान हुकूमत कंजरा नंबर ला चल 804 नंबर कंजर आ गए ते गाले वे ए जड़ियां बाकी जमात आ गई अल्लाह कोई कड़े जिले तू आ गया वस्कट पाई कोई कड़े जिले तू आ गया ते मैं तुसा पूरे वसूक नाल पे आखना एक मजहबी जमात है तनकीद नहीं मेरी गल कूड़ हो मैं हर अदालत जवाब देने वास्ते तैयार हाँ। तहरीके लबैक वाले आखने असं बड़े बड़े मजहबी आदमी हाँ। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह सुरगोदा सिला वाली तू उन्होंने कौमी असेंबली ना सुबाई असेंबली ना उम्मीदवार मुस्तंसर ते मंसूर दो कादियानी ने जिस अदालत मर्जी असि बुलाओ साबित कर सा हर बंद टिकट दे वाले पे जितने और जित कदे नहीं सकने हो। एक भैया सारा गुजर खान तू लोग आके बेवकूफ पे बनाना और जी मैं बड़ा हमदर्द हाँ मैं बड़ा हमदर्द हाँ उसकी हमदर्दी ने जवाब ऐ मेरा बचा दे सी तुसा असि ना खाने छोले ना नोड कलाए विंजी राजा गुजर खान असि ना मैंने असा के लोग असा भरा ग्रह मौजूद है घर में मौजूद है असी लोग वोटा पे पावा गार दे जाम पीण वाले साढ़े प्यार दे जाम कोई कोले ते नहीं और असी मनने तू सवाली कदे खाली मोने भी नहीं तेरी रूह नाल साड़ा प्यार है शानी शाह वरना सोने शब्द तक थोड़े ते नहीं है। शान नकवी साहब आओ जी अपने ख्यालात में इजहार करो तारिया शाह साहब खड़े होके मुस्तमे इमरान
मुस्तफ मेजमान अन्य वकील खान सैयद निशान नसीर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नायब काबिले एहतराम जनाब अंजम वकील खान साहब, इंशाल्लाह MNA हल्का NA 46, सैयद जकी अजहर शाह साहब साबिक चेयरमैन यूनियन कौंसिल शाला दिता, हाजी मोहम्मद दस्तगीर साहब वाइस चेयरमैन यूनियन कौंसिल शाला दिता, मलक नूर अवान साहब सीनियर रानवा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून सदर जापान, मैडम फरहनाज अकबर साहिबा फेडरल कैपिटल प्रेसिडेंट, आजम खान साहब साबिक मेयर इस्लामाबाद, मलक मेहरबान साहब कर्नल लवीद साहब नायक नजाकत साहब लियाकत शाह साहब अजायब शाह साहब सैफ अली शाह साहब असद शाह साहब मुजाहिद शाह साहब नासिर शाह साहब अजहर खान साहब शादाब राजा शादाब साहब राजा साकब साहब G10 से मलक वजीर अहमद साहब सहरी सराल से मलक दस्तगीर साहब जैगम शाह साहब शौकत खान साहब चौधरी शौकत साहब मलक यासिर चौधरा साहब मलक सालत साहब सराय खरबूजा मलक कबीर साहब मैडम नरगस नासिर साहिबा मैडम नसरीन साहिबा उसके अलावा चांद बीबी साहिबा और जितने भी हमारे तायरा बीबी साहिबा और जितने भी हमारे लेडीज फरा नाज साहिबा और क्योंकि हमारी दो फरा जावेद साहिबा और जितने भी यहाँ पे हमारी लेडीज विंग की खवातीन बैठी हैं पिंडाल में जितने भी लोग बैठे हैं अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले तो मैं तमाम लोगों का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि एक शॉर्ट कॉल पे आप सब लोग यहाँ पर तशरीफ ला के हमारी आपने इज्जत अफजाई की। इंशाल्लाह ताला 8 फरवरी में सिर्फ 3 दिन रह गए हैं, सबसे गुजारिश है कि आपने भरपूर तरीके से पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के नामजद उम्मीदवार अंजम वकील खान साहब को वोट भी करना है और सपोर्ट भी करना है और कोशिश करनी है कि इनको भरपूर तरीके से कामयाब करें, क्योंकि इस्लामाबाद कैपिटल है। आप सिर्फ पिछले 15 महीनों का देख लें कि जो महरूमिया इस्लामाबाद में रह गई थी, मैं सिर्फ अपने इलाके की मिसाल दूं, ये जो मार्गला रोड बन रही थी इस पे संगजानी लबाना हो सराय खरबूजा शालादिता T12 कोई रास्ता नहीं दिया गया था। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी हुकूमत आई, हमने इस मार्गला रोड पे 6 रास्ते लिए हैं अल्हम्दुलिल्लाह और अपने इलाके को 4 चांद लगा दिए उन रास्तों की वजह से, शालादिता अंडरपास से शालादिता इंटरचेंज और हर तरह से, और 70 करोड़ रुपए की रोड अल्हम्दुलिल्लाह जो अरसा दराज से महरूमियों का शिकार थी शालादिता रोड, उसका अल्हम्दुलिल्लाह हमने मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब जो वजीर आजम थे उनसे इफ्तिताह कराया जिसपे अल्हम्दुलिल्लाह काम जारी है। उसके अलावा 8 करोड़ रुपए की रोड जो शालादिता अंडरपास से लेके E12 तक बननी है, जो पुरानी शालादिता पिंड संग्रहाल सहरी सराल से होके जानी है, उस पर सीवरेज और रोड का काम भी अल्हम्दुलिल्लाह जारी है। उसके अलावा आप देखें मार्गला रोड पे कम अज कम ये जो मार्गला रोड जो फेज 1 था 3 अरब रुपए का ये प्रोजेक्ट है, उसके अलावा 1 अरब 70 करोड़ का प्रोजेक्ट जिसका इफ्तिताह हुआ है जो जानी है आपके पिशावर रोड से मोटरवे तक डायरेक्ट मोटरवे पे आप इंशाल्लाह 10 मिनट में यहां से पहुंचेंगे, अभी 6 मिनट लगते हैं आप पहुंच जाते हैं संगजानी। ये सहूलतें आपको किसने दी हैं? सिर्फ और सिर्फ मियां मोहम्मद नवाज शरीफ और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने आपको दी है। उसके अलावा आप देखें जो अगला फेज है T12 से लेके E11 मार्गला रोड तक इंशाल्लाह 10 दिन में उसका इफ्तिताह होने जा रहा है, उसमें भी 2.25 अरब रुपए की लागत आई है, तो वो भी अल्हम्दुलिल्लाह तकमील के आखिरी मराइल में है। वहां इशूज थे चौंतरा के, बाकी पहले उस मास्टर प्लान में रास्ते नहीं थे मैरा बेरी का, उसके अलावा E11 के लोग यहाँ बैठे हैं वो E11 का भी कोई इंटरेस्ट नहीं थी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने वो भी मास्टर प्लान से अप्रूव कराई है और जगह जगह पे उसकी रसाई के लिए उसपे उतरने के लिए चढ़ने के लिए वहां पे
इंटरचेंज बनवा दिए, तो एक और मेट्रो बस मंसूबा इंशाल्लाह ताला बसें पहुंच चुकी हैं इंशाल्लाह दिता, ये बिल्कुल साथ ही हमने स्टाफ मंजूर करवाया है। यहाँ से मेट्रो चलेगी सीधी D12 E11 से होती हुई G10 मेट्रो स्टेशन तक पहुंचेगी, वहां से आप दूसरी मेट्रो पे बैठ के रावलपिंडी इस्लामाबाद तक सफर कर सकेंगे, बाइज़त सफर इंशाल्लाह। तो मेरा कहने का मकसद यह है कि अल्हम्दुलिल्लाह ये जितने काम है ये सब सिर्फ 15 महीने के मैंने आपको गिनवाए हैं। अगर सबका द्वार के काम देखें, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का दौर निकाल दें तो कुछ नहीं रह, खंडरात ही रह जाते हैं। जब भी पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत आई अल्हम्दुलिल्लाह काम हुए और आइंदा भी होंगे, क्योंकि तरक्की और जो उम्मीद है वो सिर्फ और सिर्फ अब मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब से वाबस्ता है। और हम सब ने मिलकर 8 फरवरी को पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून को कामयाब करना है, क्योंकि अगर हमारा नुमाइंदा असेंबली में होगा तभी हम बेहतर तरीके से अपने मसाइल जैसे पानी के मसले हैं, इंशाल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि जो खानपुर डैम से पानी जा रहा है इस्लामाबाद को, ये पानी इंशाल्लाह शालादिता पिंड संग्रहाल सेरी सराल सराय खरबूजा तमाम लोगों को इंशाल्लाह ताला मिलेगा जी। इसके अलावा सुई गैस का मसला है, वो भी शालादिता की हद तक पहले भी मंजूर था, लेकिन हम हमारी कोशिश यही है कि पिंड संग्रहाल सेरी सराल बैकड़ अकू बैकड़ फतेहबाग तमाम द्रेक मोरी इस एरिया की तमाम एक दफा गैस लगे ताकि आपस में मसला हमारा ना बने, क्योंकि वो सेक्टर एरिया और ये वो जो मसाइल हैं। और इंशाल्लाह जो मेन हमारी तरजीहात हैं हम कोशिश करेंगे कि जो CDA एक मैं समझता हूँ कि एक माफिया की सूरत में हम पे मुसल्लत है, हम जो आबाओ अजदाद से रह रहे हैं लोग, मैं अक्सर जिक्र करता हूँ हमें ये कहते हैं ये मुतासरीन है, जो बाहर से लोग आके ठीक है वो भी हमारे अपने हैं बेगाने नहीं है, लेकिन पहला राइट हमेशा मुकामी लोगों का होता है, लेकिन वो हमेशा से गसब किया जाता है हमारे लोगों को, मासूम लोगों को ये एक चिट दे देते हैं ऑफर लेटर जिसे कहते हैं, अगर कोई रिक्वायर जितनी जमीनें हुई हैं किसी को I14 कोई I16, क्यों बाहर के लोग ज्यादा प्यारे हैं, हमारे लोगों को हकूक क्यों नहीं मिलते। इंशाल्लाह ताला हम इस हकूमत में बिल पास कराएंगे, 92 के बाद कोई रेगुलेशन नहीं बनी, नई रेगुलेशन बनाएंगे, कभी हमारे इंतकाल बंद कर दिए जाते हैं, कभी हमें ये कहा जाता है जी कि आप यहां से उठ जाएं और रातों रात आके ऑपरेशन कर दिए जाते हैं। इंशाल्लाह ताला हम आपसे वादा करते हैं कि CDA में नए कवानीन बनवाएंगे और जितने देहात यहाँ पे अबाउजदाद से रह रहे हैं उनको एग्जेम्प्ट कराएंगे और यही मॉडल विलेज बनाएंगे इन देहातों को इंशाल्लाह ताला। अब निकलेंगे सब निकलेंगे बालक नूर रवान साहब, उनका मैं दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने, और आज का प्रोग्राम भी हमने लेट, सिर्फ हमारे बड़े भाई मलक मेहर साहब की डेथ हुई थी तो हमने प्रोग्राम थोड़ा लेट इसलिए किया कि हम सब एक हैं, मलक दस्तगीर साहब मलक कबीर साहब ये सब इस प्रोग्राम के मेजबान हैं, मलक मेहरबान साहब मलक इस्लाम साहब हम सब पूरी यूनियन कौंसिल ये मेहमान मेजबान है, और मैं इन सब का तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ, मलक सालत साहब का, उसके अलावा अरशद साहब का, शहजाद साहब का जोध से, तमाम लोग आजम खान साहब हमारे मेयर इस्लामाबाद रहे हैं, शौकत खान साहब का, तमाम लोगों खास तौर पे अपनी बरादरी के बुजुर्गों का जिन्होंने हमेशा हमें कभी मायूस नहीं किया और उन्हीं की वजह से हम कायम दायम हैं। हमें जब इज्जत मिली तो सबसे पहले हमारे बुजुर्गों की दुआओं से और अपने इलाके के तावन से मिली, और मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा कि आप सब ने अंजम अकील खान साहब को भरपूर तरीके से कामयाब करना है ताकि जब ये असेंबली में जाएं तो हम अपने जितने भी यहाँ के मसाइल हैं वो बेहतर तरीके से हल कर सकें। अब आखिर में कुछ नारे लगाऊंगा, सब लोगों ने भरपूर तरीके से जवाब देना है। अंजम अकील खान, जकीशा, मलक नूर अवान, दस्तगीर अवान, मलक सालत,
मलक इस्लाम, मलक नजाकत, मलक बरकत, लियाकत शाह, जैब शाह, और आप अपनी क़यादत के लिए मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां शहबाज शरीफ, मरियम नवाज शरीफ, पाकिस्तान ये देश छुड़ाना चाहता हूँ, एक नारा लगाना चाहता हूँ। सैयद निशान नकवी जिंदाबाद जी, नारा लाओ ना, सैयद निशान नकवी, सैयद निशान नकवी, सैयद जकी आदर शाह, सारे जिंदाबाद। दिल दी दुनिया जे तेरे बाजो कोई और बसावा ते काफर आखी, सारी उम्र जे तेरी चौखट तू सिर विचावा ते काफर आखी, जे मेरी पूजा च फर्क वेखे ते तेज खंजर दी लोड़ कोई नी, ओंजे मकील तू एक नजर नाल वेख मैनू, मैं मर ना जावा ते काफर आखी। ओंजे मकील खान तू साडे शहर दा सिर आए, हर बंदा वर्कर तेरा है, साड़ी जिन ते जान भी आदर है खान, बहुत का मसला कह रहा ये मोहरे हैं, ये मोहरे हैं, हम बिके नहीं, हम झुके नहीं, मंजिल की तरफ हम रुके नहीं, जो डर गए वो मर गए। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। मेरे आज के मेजबान साबिक डिप्टी मेयर इस्लामाबाद सैयद ईशान नकवी साहब, मेरे चेयरमैन शालता सैयद जकी हैदर शाह साहब, मेरे भाई जागम शाह साहब, नाजम शाह साहब, लियाकत शाह साहब, असद शाह साहब और तमाम सादात बरादरी, आपको इतना खूबसूरत पंडाल सजाने पर मियां नवाज शरीफ और मियां शहबाज शरीफ का परचम बुलंद करने पर मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं। मेरे भाई साबिक मेयर इस्लामाबाद आजम खान साहब, जो मेरे हर मैं आज तकरीबन देहात की कंपेन मैं नहीं कर रहा, उस सारी कंपेन आजम खान साहब कर रहे हैं। मैं ऐसे दोस्तों पर, ऐसे बाजुओं पर फख्र करता हूं, और ऐसे बाजू जिसके हों वो कभी शिकस्त नहीं खाते। मैं अपने भाई आजम खान साहब को खराज तहसीन पेश करता हूं। इनके साथ इसी तरह काम करने वाला मेरा भाई मलक सालक, मैंने पहले उसको कभी आजमाया नहीं था, लेकिन जिस तरह वो पिंडपड़िया तक डोरिया तक पार्टी के लिए काम कर रहा है, मैं उसको भी सलाम पेश करता हूं। मेरा भाई मलक नूर अवान, जो स्पेशल जापान से आया है इस प्रोग्राम के लिए, आप कह सकते हैं या इस इलेक्शन के लिए, तो जिस तरह अपने कैद नवाज शरीफ साहब से मोहब्बत करता है, और हमारे कैद नवाज शरीफ साहब भी इसी तरह नूर से मोहब्बत करते हैं, मैंने इनकी गुफ्तगू सुनी है। मैं इस पर भी अपने इलाके के ऐसा एक पार्टी का कारकुन जिसकी क्यादत हमारी इज्जत करती है, मैं उस पर भी फख्र करता हूं। मेरे भाई मलक मेहरबान साहब, मेरे D12 से शानदार प्रोग्राम करने, शानदार कैंपेन करने वाले कर्नल नबीर साहब, उनके साथ समद साहब, मैं उनको भी पार्टी के लिए इस तरह, क्योंकि मैं शहरों में और बिलखसूस ऐसे जो पोश इलाके हैं वहाँ पर जो मेरे पार्टी के रहनुमा बैठे हैं, पार्टी के लिए काम करने वाले बैठे हैं, उनके भी मैं सलाम पेश करता हूँ। मेरे भाई मेरे बाजू मलक नजाकत साहब,
मलक इब्रार साहेब, मलक बरकत साहेब, वो मेरा खानदान है, मेरा हिस्सा है, लेकिन इस कड़े वक्त में हर गांव में वो मेरे साथ हैं और सुबह से शाम तक मेहनत करते हैं। मैं उनको भी सलाम पेश करता हूँ। मोहतरम राजा न्याज साहेब, रासर शाह साहेब, मेरे भाई अजहर खान साहेब, शादाब साहेब, मेरे भाई राजा साकिब साहेब जी टैन से, मेरे भाई मलक वजीर अमन साहेब, मेरे वाइस चेयरमैन शालिता मलक दस्तगीर साहेब, शौकत खान साहेब, चौधरी शौकत साहेब, मलक यासर अवान चौंतरा से, मेरे भाई तारक साहेब E11 से, मेरे भाई रफाकत साहेब चूरा से, शौकत साहेब सराय खरबूजा से, मेरे भाई मलक नमान साहेब, मलक मुबशर साहेब, जिन्होंने G12 मरकज में इतना शानदार प्रोग्राम कराया और इतनी जान वाला, जिसमें यूथ मौजूद थी सारी, और मैंने उनका जज्बा देखा, उनका जज्बा काबिले दीद था। मैं इस पर भी अपने दोनों भाइयों को सलाम पेश करता हूँ। मेरे भाई साबर कौंसलर साहब, वकार साहब मेरा से बैठे हैं, मीर अहमद साहब बैठे हैं, और फिर मेरी बहनें, मैंने मेरे ख्याल में फर अकबर साहब का नाम लिया कि नहीं लिया? नहीं लिया, ओ सॉरी सॉरी, आपका दूसरे तीसरे नंबर पे लेना चाहिए। फर अकबर साहब जी हमारी इस्लामाबाद की सदर है वुमन विंग की, और इंशाल्लाह 8 फरवरी के बाद हमारी MNA भी हैं, ये MNA बन चुकी हैं। इनके साथ मेरे हल्के की सदर मैडम नसीन साहबा और सेक्रेटरी जनरल मुसमात नीर साहबा, और यहाँ शलिता से मेरी रहनुमाई करने वाले नरगस नासिर साहिबा, फरा साहबा बैठी हैं I-10 से, बेश मेरे तमाम बहनों का जलसे का, क्योंकि सारे लोग मेरे अपने हैं, मैं किसी का नाम लूँ। बहरहाल आज का जलसा, इसका मकसद 8 फरवरी का इलेक्शन है, और 8 फरवरी के इलेक्शन का मतलब मेरे और आपके मुस्तकबिल का फैसला है। ये इलेक्शन आम इलेक्शन नहीं है, एक इलेक्शन डमी इलेक्शन 2018 में कराया गया, उसकी सजा हमने 4 साल भुगती, उसकी वजह से, उस डमी इलेक्शन की वजह से, वो मेहनत जो हमने 2013 से 2017 तक पाकिस्तान को आगे लेकर जाने के लिए, पाकिस्तान में जो लोड शेडिंग 24 घंटे में 22 घंटे होती थी, उसको खत्म करके दहशत गर्दी जो जब हमने गुमत ली अरूज पर थी, उसको खत्म करके महंगाई जो 2013 में हमें मिली, उसको खत्म करके हम बड़ी तेजी से तरक्की कर रहे थे। एक साजिश हुई 2014 से शुरू हुई, 120 दिन का धरना दिया गया, और 2017 में वो साजिश कामयाब हुई, और एक अकामे की बेस पर 2/3 वाले वजीर आजम को निकाल दिया गया, और उस वजीर आजम को जिसने जब भी आया हर दौर में उसके खिलाफ साजिश हुई, साजिशों का मुकाबला भी किया, और मुल्क को तरक्की की राह पे भी चलाया। आज अगर मुस्लिम लीग नून के काम, चाहे मोटरवे की शक्ल में हो, चाहे सी पैक की शक्ल में हो, चाहे ग्वादर फोर्ट की शक्ल में हो, चाहे लोहारी टनल की शक्ल में हो, चाहे
आप ऑरेंज ट्रेन की शक्ल में हो, चाहे इस्लामाबाद में शाह साहब ने फरमाया कि मरगला एवेन्यू जो 2017 में तकरीबन मुकम्मल थी, पौने चार साल इसको हाथ ही लगाया गया, इसलिए कि ये एवेन्यू नवाज शरीफ के दौर में शुरू हुई थी। ये हसद, ये बखीली, और फिर जब हमने उसको मुकम्मल किया, कितने पैसे ज्यादा लगे, कितने फ्लक्चुएशन हो चुकी थी, कितना डॉलर गिर चुका था, गिर नहीं चुका था पर डॉलर ऊपर चला गया था, हमारी करेंसी गिर चुकी थी, वो जो पैसे ज्यादा भरे वो किसने भरे? मैंने और आपने भरे। आज आपके सामने है कि बारकू बाईपास हमने अपनी हुकूमत में उसकी बुनियाद रखी थी, लेकिन ये आए, इन्होंने इसको हाथ तक नहीं लगाया। अब हमने मुकम्मल किया, लेकिन अफसोस ये है कि जो खर्चा 2017, 18 या 19, 20 में होना था, 2023 में कितने ज्यादा पैसे लगे, वो पैसे किसके थे? मेरे और आपके थे। ये कौमी प्रोजेक्ट है, ये किसी की जात के नहीं है, लेकिन हसद इस कदर थी कि पौने चार साल सवाए गालियों के, सवाए इल्जामात के, कोई डिलीवरी नहीं है। अगर पूछी जाए, इनसे पूछा जाए कि आपने मुल्क के लिए क्या किया, यकीन करें चाहे पीटीआई हो चाहे पीपल पार्टी हो, दोनों बैठ के मुनाजरा करें, इनके पास बेचने के लिए कुछ नहीं है। मैं यहां खड़ा हुआ बयान कर रहा हूं आपसे, उन्हें पूछें, आप भी बयान करें आके। यहां वो बयान क्या करते हैं कि हमने लोगों को हेल्थ कार्ड दिए, हमने लोगों को बेनजीर कार्ड दिए, ये उनकी कारकर्दगी है। शाह साहब आए हैं जी हमारे नून दरबार से, मैं उनको वेलकम कहता हूं जी। अमजद शाह साहब जी, तो हेल्थ कार्ड क्या है, कितने अरबों रुपए उसमें लगे, कितने लोगों को फायदा हुआ? आज वो हॉस्पिटल जो मुर्दा हो चुके थे हेल्थ कार्ड की वजह से, उस फ्रॉड की वजह से वो हॉस्पिटल चल पड़े, इलाज नहीं हुआ लेकिन क्लेम बनाकर अरबों रुपए लिए गए। बिलियन ट्री वो आपके सामने है कि अरबों रुपए खर्च हुए, वो दरख्त कहां है नजर नहीं आते हैं। उसके बाद पीपल पार्टी की बात करें, ये डिलीवरी है पीटीआई की, टोटल 10 साल हुकूमत उन्होंने की है खैबर पख्तूनख्वा में, 4 साल पाकिस्तान के वजीर आजम रहे हैं। बताएं, कौम को बताएं आज कि क्या किया उन्होंने आपके लिए। आज एक मेट्रो बस उन्होंने कॉपी की थी मियां शबाज शरीफ की, वो मेट्रो बस 25 अरब से शुरू हुई, 125 अरब पे लग गए, अभी भी वो चल नहीं रही है। तो ये पैसे किससे खर्च हुए? आज 50 अरब पे आपने हेल्थ कार्ड पे लगाए, उसके बदले में आप 5 हॉस्पिटल बना सकते थे वहां। उनके नसीब में ऐसा काम नहीं है कि आज हम या आज के 5 साल बाद, आज के 10 साल बाद हम जिक्र कर सकें कि जिस इस हुकूमत ने, पीटीआई ने या पीपल पार्टी ने हमारे लिए, हमारे आने वाली नस्लों के लिए अस्पताल बनाया है। ऐसी चीज कोई नहीं है। मैं तो कहता हूं ये हेल्थ कार्ड, ये बेनजीर इनकम सपोर्ट,
शायद वक्ती रिलीफ तो हो सकता है, लोगों को बैगिंग पर लगाया गया है, कोई मेगा प्रोजेक्ट मुल्क में कर लेते। आज मैं अपने लोकल होने के नाते आज मरगला एवेन्यू बन गई है, इसके इर्द गिर्द जमीनों की कीमत पूछे, आज टेक्सले से F10 तक 8 मिनट में 10 मिनट में सफर करते हैं आप। आज आप IG प्रिंसिपल रोड बनाए, आप पेशावर रोड से कश्मीर हाईवे पर 10 मिनट में पहुंचते हैं। आज जो मरी जाते हैं बाराकोट जा चार चार घंटे ट्रक फंस जाती थी, आज उसको आप 10 मिनट में क्रॉस करते हैं। ये प्रोजेक्ट नस्लों याद रहेंगे, ये ऐसे प्रोजेक्ट हैं। आज भी तकरीबन 15-20 साल गुजर गए हैं कि हमने 20 साल गुजर गए हैं, हमने जब एटमी धमाके किए तो ना सिर्फ पाकिस्तान में, पूरी दुनिया में अल्लाह अकबर के नारे लगाए गए। ये है कौमी प्रोजेक्ट, ये है मुल्कों को आगे लेकर जाने वाले प्रोजेक्ट, इनसे पूछो इन्होंने क्या किया। मेरे भाइयों, सोशल मीडिया पे तो बहुत कुछ दिखाया जाता है, ज्यादा गालियां बदतमीजी, लेकिन अमली काम ग्राउंड पर काम करने वाले, मैं थार इंडस्ट्रियल जोन की बात करूं, मैं रोहट इंडस्ट्रियल जोन की बात करूं, ये किसने बनाए? ये सिर्फ मुस्लिम लीग नहीं, तो ये सारा सेरा जाता है। आज हम खड़े हैं यहां फखर से बात करते हैं, आज हम जब I-10 में बात करते हैं, G-10 में बात करते हैं, फखर से करते हैं कि हमारे पास काम है जो हमारी पार्टी ने ग्राउंड पे किए हैं। आज आप ये भी जानते हैं कि हमारे तलकात सऊदी अरब से कैसे थे, आप ये भी जानते हैं कि चाइना हमारी इकॉनमी की शाहराग बन गई थी, आप ये भी जानते हैं कि लाखों लोग UAE में हमारे काम करते हैं और जर में बादला पाकिस्तान भेजते हैं। PTI की दौर में तीनों ममालक से हमारे तलकात खराब रहे, इसका जिम्मेदार कौन है? नवाज शरीफ साहब तो अरबों डॉलर चाइना से या इन्वेस्ट कराए, सऊदी अरब से कराए, UAE से कराए, भीग नहीं मांगा। हमने IMF से 2016 में निजात हासिल की, IMF का कशकोल तोड़ा, अपनी कौम को आजाद किया, उन्होंने क्या किया? 2018 में फिर अपनी कौम को गिरवी रख दिया। आज हम फिर IMF की शराय पर आपका खून चूसते हैं, आपके बच्चों के दूध पर टैक्स लगाते हैं, आपके आटे पर टैक्स लगाते हैं, आपकी चीनी पत्ती पर टैक्स लगाते हैं, क्योंकि ये IMF की शर्त है, जब वो पैसे देता है तो फिर वापस लेने का प्लान भी देता है। उन्हें पता है कि हर बच्चे को दूध चाहिए, हर घर को आटा चाहिए, इन पर टैक्स लगाए। लेकिन मैं आपसे वादा करता हूं इंशाल्लाह 8 फरवरी में आप इंशाल्लाह, आप नहीं, मैं देख रहा हूं कि पूरे पाकिस्तान में हम एक दफा फिर, लोगों का जहन चेंज हो गया है, लोगों ने पहचान लिया है कि सोशल मीडिया की जमात फ्रॉड है, झूठ है, और अब लोग जोग दर योग मुस्लिम लीग नून की तरफ आ रहे हैं। इंशाल्लाह हम 2 तारीख सीट फिर हासिल करेंगे इंशाल्लाह। मैं अगर यहां खराज तहसीन पेश ना करूं मियां शहबाज शरीफ साहब को कि हमारी 15 महीने की हुकूमत PDM की हुकूमत थी, 11 जमातों की हुकूमत थी, हमने उनको भी राजी रखा और मुल्क को भी आगे लेकर गए। आज इस्लामाबाद में जितने मेगा प्रोजेक्ट हैं ये 15 महीने के हैं। ये सवाल किया जाए दूसरी जमातों से, PTI से, पीपल पार्टी से, कि आपने ऐसे प्रोजेक्ट क्यों नहीं किए? एक के पास 4 साल थे, दूसरों के पास 3 टनों गुजारे हैं, लेकिन ये सिरा इंशाल्लाह पहले भी मियां नवाज शरीफ के सिर लिखा है और आइंदा भी इंशाल्लाह मियां नवाज शरीफ भी करेंगे इंशाल्लाह। मैं आगे भी प्रोग्राम है,
बड़ा मजे का मजमा है, बात लंबी करना चाहता था लेकिन कहते हैं मुसर करें। तो बहरहाल जैसा शाह साहब ने फरमाया हमारे अपने इलाके के मसाइल इंशाल्लाह आप वो भी देखेंगे। पहले भी हम दोनों भाइयों ने मिलकर काम किए, मेट्रो बस आ चुकी है इस्लामाबाद में, सीडीए में खड़ी है बसें, इलेक्ट्रिक बसें हैं। इंशाल्लाह हम एमएनए नहीं थे लेकिन अपने इलाके से मोहब्बत थी, पीएम ने मौका दिया, हमने बात की मरगले एवेन्यू की, हमने बात की मेट्रो बस की। इंशाल्लाह आप देखेंगे एक महीने के बाद वो बसें चलेंगी। आपके यहाँ कॉलेज का मसला है, इंशाल्लाह हम कॉलेज भी बनाएंगे और कोशिश करेंगे हम यूनिवर्सिटी अपने इलाके में बनाएं। अल्लाह ताला ने 5 साल दिया तो ये शहबाज शरीफ नवाज शरीफ को ये क्रेडिट है, उनको उनको अल्लाह ताला ने एक हिम्मत दी है कि बड़े बड़े 5-7 साल के प्रोग्राम एक साल में करते हैं और अब भी इंशाल्लाह करके दिखाएंगे। हम अपने एरिया में भी यूनिवर्सिटी भी बनाएंगे, अस्पताल भी इंशाल्लाह बनाएंगे। आज तक तो हमने दिए हैं लैपटॉप मेरिट पे अपने लोगों को, एक साल में शहबाज शरीफ साहब ने 1 लाख लैपटॉप अपने नौजवान बच्ची और बच्चों को दिए। इंशाल्लाह अब 8 फरवरी के बाद आप देखेंगे हम किसी घर में किसी बच्ची को किसी बेटे को बेरोजगार नहीं बैठने देंगे, हर एक से इंशाल्लाह काम लेंगे और उस काम करके फख्र महसूस करेगा। हमारे इलाके के पानी के मसले हैं, गैस के मसले हैं, अब तो और भी मैंने सुना है कि सीडीओ ने भी पाबंदी लगा दी है और इंशाल्लाह हम कोशिश करेंगे कि सीडीए के कानून को तब्दील करें, जिस तरह 1992 में हुआ था तब्दील, इंशाल्लाह एक दफा फिर आप देखेंगे इस इलेक्शन के बाद हम सीडीए का कानून चेंज करके अपने इलाकों को महफूज बनाएंगे। आखिर में क्योंकि अशरफ साहब बार बार कहते हैं अगला प्रोग्राम इंतजार कर रहे हैं E11 वाले, तो फिर नहरे ही लगाते, वैसे नहरे तो नूर रहमान को लगाने चाहिए थे, बड़े जबरदस्त उसकी आवाज है। आजम खान साहब भी बैठे हैं पीछे, माजर खान साहब नाराज हुए मैदान के दर्शन, इखलाक साहब बैठे हैं जोड़ी से, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, शानी शाह, पाकिस्तान का नारा।